नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। कहाँ से आए हैं आप? बीड़, महाराष्ट्र। बीड़, महाराष्ट्र। तो आपके घोड़ों का ही काम है? हाँ, घोड़ों का ही काम है। मैं खुद ट्रेनर हूँ। अच्छा, मारवाड़ एसोसिएशन, उस पर सचिव हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ओके, तो ये एसोसिएशन क्या करती है? एसोसिएशन ये मारवाड़ की पहचान करना, मारवाड़ का रजिस्ट्रेशन कराना और मारवाड़ के शो में जजिंग का काम करना, ये काम हमारा है। और मुख्य काम मेरा, खुद ट्रेनर हूँ। ट्रेनर हैं आप? ओके, तो आप पुष्कर पहली बार आए हैं या दूसरी? नहीं, कम से कम पुष्कर 30 साल से आ रहा। 30 साल सर, क्या बात है। अभी पुराने मेले और नए मैदान में कोई फर्क? फर्क है, सिर्फ क्या है, मैदान थोड़ा एक चित्त होकर, जैसे व्यापारी या किसान या कोई शौकीन लोग घूमकर एक ही जगह पे आ जाता था, अब घूमने में तकलीफ हो रही है। घूमने तकलीफ हो रही है, बाकी की व्यवस्था अच्छी है। अभी तो जितना ये लगा है उससे ज्यादा है। ज्यादा है लगा है उससे ज्यादा है, लेकिन बाजार लंबा हो गया। लंबा हो गया बाजार, बाजार के तरीके से गोल होना। गोल तो वैसा नहीं, नहीं, अब आपके माशरे में वो जो है आपके सांखेड़ा, वो नहीं, गोल नहीं है। नहीं, वो लंबा है। नहीं है, लेकिन उसका मैदान एक चित्त है। हाँ, एक चित्त, एक जगह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एक लाइन से आप कौन सी लाइन घूम सकते हैं। यहाँ वो आना है तो राउंड मार के आना है। एक दिन में पूरा बाजार देख नहीं सकता, और देखने वाला आदमी दूसरे दिन चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। आइए, आपके घोड़े बताए मुझको। अच्छा, ये ओके। जैसे कि एक में वैसी नस्ल है जिसमें जैसे बोलते हैं ना, नौ जोड़ा घोड़ा, नौ जोड़ा, नौ जॉइंट, जिसमें एक ही घोड़े में देखे जाए बहुत कम मिलते हैं। और वो सिर्फ मारवाड़ घोड़े में ही आते हैं जो ओरिजिनल मारवाड़ हो। ओके, जैसे कहा जाता है, आसन कसन कानो छोटा, लंबा मुखड़ा माथा चौड़ा, चौड़ा सीना सुम कटोरा, लंबा गर्दन पुट्ठा ऊंचा चढ़ा उतर मारवाड़। ये नौ स्ट्रक्चर सिर्फ मारवाड़ में ही रहता है। बताएं कैसा, एक्सप्लेन करें। हाँ, आसन कितना भी घोड़ा बड़ा हो, आसन छोटा होना चाहिए। ओके, कान छोटा होना चाहिए। आसन तीन हथकड़ी तंगपट्टा आना चाहिए, कोई भी कितना भी तैयार जानवर रहे। आसन कसन कानो छोटा, लंबा मुखड़ा माथा चौड़ा, चौड़ा सीना सुम कटोरा, लंबा गर्दन पुट्ठा ऊंचा चढ़ा उतर बार बार चढ़ा उतर बार बार। हाँ। और पंजाब भी जानवर के इससे विपरीत होते, उसमें 7 स्ट्रक्चर होते। अच्छा। हाँ, पंजाब 9, 2 कमी होती, 2 कमी होते। ओके, और इससे उतरे हुए, इसका पुट्ठा ऊंचा चाहिए और उसका पुट्ठा दबा हुआ चाहिए, दबा हुआ चाहिए। और मुंह इसका लंबा, उसका छोटा चाहिए, छोटा चाहिए। जैसे बोलते नाक का नकटा, मुंह का चपटा, कान में फकटा, फकट कान, जिस्म में अकड़ा, पैर में लकड़ा, गर्दन जाप, सीना चाप, पुट्ठा दाब, वो पंजाब। सही है। पंजाब की आपने जो बताई उसका थोड़ा मुझे हिंदी बताएं, क्या बोला था आपने? इसके विपरीत ही पंजाब का, जैसे इसका मुंह लंबा होना चाहिए। हाँ। उसका थोड़ा छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसका कान जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका फैला हुआ होना चाहिए। इसका पुट्ठा उठा हुआ होना चाहिए, उसका दबा हुआ होना चाहिए। ऐसे 7 स्ट्रक्चर उसमें और 9 स्ट्रक्चर इसमें, क्योंकि ये मारवाड़ नस्ल कोई प्राचीन नस्ल नहीं, नस्ल नहीं, ये बनाई गई है क्योंकि काठियावाड़ सबसे खूबसूरत नस्ल थी, ओरिजिनल है। हाँ हा। पंजाब ओरिजिनल है। हाँ। इनकी दोनों की क्रॉसिंग करके। हाँ। कुछ उसकी ऊंचाई। हाँ। और इसकी खूबसूरती। हाँ। दोनों का एकत्रीकरण हुआ तो मारवाड़ बना। ओके। और जब ये शरद पर कृषि मंत्री थे। हाँ। उसी टाइम में इसकी मान्यता मिली हुई वो पुस्तक की। आप किशोर सिंह जी से तो आप वाकिफ होंगे, तो उनके पास सब जगह पुस्तक गए, पुस्तक गई हुई। इसकी क्या रेट लगाइए पहले इसकी? हाँ, क्या बोल रहे आप, बताइए क्या बोल रहे हैं। तो पहले एक मालानी नस्ल मानी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नौ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते थे। अच्छा, वो इससे मिली जुली रहती थी, लेकिन किंचित नस्ल देखने के लिए मिलती। हाँ। थी। जब ये मारवाड़ बन चुकी मारवाड़ नस्ल, तो अब ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेन बात क्या है, मालानी में इतना ही अंतर है, जो घोड़े में गुण बताए जाते थे, ऐसे संस्कृत में शाल्युत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है। हाँ। कि बहु चंचल, बहु खद्दर, बहु तुरंग, बहु रोष, घोड़े में है ये लीन है, स्त्री में है दोष। घोड़े में ये चीजें होनी चाहिए, स्त्री में नहीं होनी चाहिए। तो वही संस्कृत में लिखा है कि चंचल चातुर्यम अतिस्वल पुरुषम गुणम अस्वा स्त्रियाणि दोषम। चंचल होना चाहिए। हाँ। खाने वाला होना चाहिए, भागने वाला होना चाहिए, उछलने वाला होना चाहिए, घोड़े में ये होना चाहिए, स्त्री में नहीं नहीं होना चाहिए, उसमें दोष हो जाएगा। हाँ, दोष। क्या बात कही। लगा है हूरों का बाजार जहाँ पर हुस्न बिकता है, लगा है हूरों का बाजार जहाँ पर हुस्न बिकता है, और पैसे वाले खड़े होकर तमाशा देखते हैं, और किस्मत वालों को मुक्त और फ्री मिलता है। नहीं, ये नहीं, किस्मत वालों को भी, तो ये पैसे वालों को, पैसे वालों का खेल है। ये नहीं, ये मुलाकात का वो टाइम है। अरे वो तो बात ठीक है, और बढ़िया पहचाना। हाँ, पहचाना। और कैसे इसकी क्या प्राइस? 2,51,000। 2,51,000।
ये के मालिक है घोड़े के। हाँ, दिलीप पाउचर जो परवनी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, उसके वो पंचायत समिति के सभापति है। अच्छा, उनका नंबर बता दीजिए। या जो कॉन्टेक्ट कर सके उनसे, आप में से उनका नंबर मेरा ही है। हाँ, आप दे दो 9860862929। थैंक यू।